तो गाइज ये है मेरा आज का ब्रेकफास्ट, टोस्टेड ब्रेड और एक ऑमलेट। सब मैं निकल गया हूँ, जा रहा हूँ जिम। आज मेरा प्ले है शाम को सावरकर दादर में, वहाँ पे भी जाना है, तो वी आर जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट। कल ही रिहर्सल थी उसकी, तो आज का शेड्यूल बहुत पैक रहने वाला है। मतलब अभी मैं जिम से आऊंगा, उसका थोड़ा वीडियो वगैरह। और ये देखिए पूरा जिम खाली है, कोई भी नहीं है। सो आई एम द वन हु कम ऑन द इंडिपेंडेंस डे फॉर द वर्कआउट, क्योंकि पहले देश पूजा उसके बाद शरीर की पूजा। तो गाइस वर्कआउट मेरा कंप्लीट हो चुका है, 3 बजने वाले हैं, मैंने अपना लंच कर लिया, प्रोटीन ले लिया, ये पर्दा बंद करके टीवी देख रहा हूँ, क्योंकि 15-20 मिनट का टाइम है मेरे पास अभी, 15-20, क्योंकि खाना तुरंत खाया ना। अब नहाने जाऊंगा, नहा करके निकलूंगा। आज 8 बजे हमारा शो है दादर में सावरकर ऑडिटोरियम में। जितने भी शोज अभी मैं कर रहा हूँ या आगे जो करूंगा, उन सारे शोज के जो भी अपडेट्स होते हैं मैं इंस्टाग्राम पे डालता हूँ, और टिकट्स सारे बुक माई शो पे मिलते हैं या फिर वेन्यू पे मिलते हैं। तो अगर आप हमारा प्ले देखना चाहते हैं तो प्लीज बुक योर टिकट ऑन बुक माई शो और आइए देखिए हमारे साथ हमारा शो। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है भाई, तो आप लोग आएंगे तो अच्छा लगेगा। तो गाइस शाम के 4 बज चुके हैं और मैं घर से निकल चुका हूं। ये मैंने लाल टी शर्ट पहना है, बैग ले लिया है, इसमें कुछ सामान है, साथ में रेनकोट है, और अब चलते हैं सीधे बाइक से यहां से दादर। तो गाइस घर से अभी थोड़ा ही आगे निकला हूं, ये खड्डे तो आप देख ही रहे हो, और बारिश बहुत तेज आ गई है। मैं रेनकोट पहन के निकला हूं, बट आज मैंने जूता भी पहना है, तो मुझे डर इस बात का है कि मेरा जूता खराब हो जाएगा। बाकी तो रेनकोट पहना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो इसी में भीगते हुए जाते हैं, लेट्स सेलिब्रेट दिस, लेट्स एंजॉय दिस। तो गाइस आज हाईवे पे भीड़ बहुत कम है, ये जो ट्रैफिक आप देख रहे हो बहुत रनिंग ट्रैफिक है। अभी तक कहीं पे भी ऐसा नहीं हुआ है कि मैं रुक जाऊं इन गाड़ियों की वजह से, जैसे हमेशा यहाँ पे रहता है। आज इंडिपेंडेंस डे है, आज सभी लोग इंजॉय कर रहे हैं, घर में चिल मार रहे होंगे, इसके लिए ट्रैफिक बहुत 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 कम है गाइस। ऑटो पे लहरता हुआ हमारा तिरंगा। तो गाइज यहाँ तक तो मैं पहुँच गया, इस जगह का नाम है शायद माहिम। अब थोड़ा रुकते हैं यहाँ पे और मोबाइल में लगाता हूँ मैं पहले कि कहाँ पे है ऑडिटोरियम। वे सावरकर ऑडिटोरियम 3.1 किलोमीटर और है। ये बाइकर्स यहाँ रुके हैं, इनके साथ ही रुक जाता हूँ। तेज बारिश हो रही है, मैं यहाँ पे शेल्टर में रुक जाता हूँ, क्योंकि रेनकोट भी अब इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, जूता तो मेरा पूरा भीग ही चुका है। भाई वीर सावरकर ऑडिटोरियम कहाँ पे है? वीर सावरकर ऑडिटोरियम यही है। ऑडिटोरियम चाहिए मुझे, ऑडिटोरियम चाहिए। ऑडिटोरियम आगे राइट पे, आगे वाले सिग्नल से यू टर्न। थैंक यू। अरे वाह क्या नजारा है, इतनी भी बाइक्स हैं, सबके पीछे झंडा लगा है, देख रहे हो बड़े वाले झंडे सबके साथ। और ये सड़क पे भी साइड में इन बैलून्स और तिरंगा झंडा लगा के रखा है, खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। ये देखिए लहरता हुआ हमारा तिरंगा, यहाँ से मुझे यू टर्न लेने का। एक्सक्यूज मी, सावरकर ऑडिटोरियम यही है क्या? आगे वाले गेट से प्रोग्राम है ज्यादा? 8 बजे रात को? हाँ हाँ। चलो पार्किंग भी अच्छी मिल गई, तो लिफ्ट से निकल के तो आ गया, देखता हूँ। भाई साहब सबसे पहले मैं ही आया हूँ, कोई नहीं आया है। ये है अपना थिएटर, पूरा अंधेरे में है अभी, तो कुछ भी नहीं हुआ है। तो गाइस कभी खाली ऑडिटोरियम देखा है आपने? ये देखिए कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं हूँ यहाँ पे, और ये सारी सीट्स खाली हैं, अभी भर जाएंगी। यहाँ पे हमारा प्ले होगा, हम चलते हैं पीछे। अभी तक कोई भी नहीं आया है, सबसे पहले मैं ही पहुँच गया, 5 बजे का कॉल टाइम था एंड एग्जैक्ट 5 बजे मैं पहुँच गया, क्योंकि मेरे पापा बोलते हैं टाइम पे हमेशा हर जगह पहुँचना चाहिए। तो गाइज अभी सारा स्टेज वगैरह का काम चल रहा है, सेट वगैरह लगाया जा रहा है, हम सब बैठे हुए हैं। ये देखिए कुछ लोग आए हैं अभी, कुछ लोग नहीं आए हैं, एंड वी आर जस्ट वेटिंग फॉर इट। अभी ये थोड़ा सेट लगा है, अभी पूरा लगना बाकी है। मैंने अपना कैमरा लगाया है टाइम लैप्स शूट करने के लिए। थोड़ा ये हाथ ऊपर उठा हल्का, बस। हम रिश्तों की दरारों में सीमेंट लगाते हैं। अभी ये लाइट बार नीचे उतारा गया है, अब सारे लाइट को सेट करेंगे अलग अलग कलर में। तो गाइस ये है हमारा ऑडिटोरियम पीछे, ऊपर सबसे ऊपर 4th फ्लोर पे। मैं आया हूँ नीचे और पीछे साइड, हाँ क्या हवा चल रही है, आपको दिखाता हूँ इधर से पीछे का नजारा। ये सामने जो आपको दिख रहा है ये है बांद्रा सी लिंक, और ये है समंदर। यहाँ पे देखिए चौपाटी बनी हुई है, लोग बैठे हुए हैं, ये पूरा पीछे तक देख रहे हैं आप, और ये है अपना
पैंट्रा सीलिंग। तो तैयारी चल रही है, मुझे लग रही थी भूख, तो अभी आया हूँ ढूंढते ढूंढते यहाँ पे। ये देखो ये सब ना लाइन लगी है वड़ा पाव खाने के लिए, और यहाँ पे सब कैश से हो रहा है, ऑनलाइन पेमेंट प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए मैं अभी यहाँ पे फ्रैंकी खरीदने के लिए रुका हूँ, फ्रैंकी ले लेता हूँ। तो गाइज अब 7:30 हो गए हैं, आधे घंटे बाद हमारा शो शुरू होने वाला है, मुहूर्त हो गया। तो अब स्टेज, लाइटिंग, सारी प्रॉपर्टीज सब कुछ सेट हो चुका है, 5 मिनट में शो शुरू होने वाला है। रात के 10 बज रहे हैं और अभी शो खत्म हुआ है, हमने अपना अपना सामान ले लिया, ये मेरा हेलमेट है, ये मेरा रेनकोट है, लेकिन इसे पहनूंगा मैं नीचे जा करके गाड़ी के पास, मतलब बाइक के पास। गाइस 10:30 हो रहे हैं और अभी मैं निकल रहा हूँ ऑडिटोरियम से, भैया रोकेंगे 100%। बाय दादा। चलो गाइस अब निकलते हैं घर की तरफ, भूख लग रही है बहुत तेज, देखता हूँ आज घर बना के खा पाऊंगा या नहीं। टेबली ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, सारी लाइट ट्री कलर, ये देखो ऐसे सजाया है जैसे दिवाली हो। अभी तक के स्मूथ रनिंग थी, काफी बढ़िया आ रहा था मैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ी ट्रैफिक, अरे भाई साहब यहाँ पे थोड़ी ट्रैफिक मिली है, ये फॉर्चुनर से आगे ही हो लेता हूँ चलाने वाला थोड़ा। यहाँ पे हमेशा ट्रैफिक रहती है क्योंकि आगे इन्होंने डाइवर्जन दे रखा है, जिसकी देखो गाइस इसकी वजह से यहाँ पे ना, देखो रोड को नैरो कर दिया गया है, इसके ये काम जो चल रहा है ना, इसकी वजह से यहाँ पे ट्रैफिक का थोड़ा सा प्रॉब्लम हमेशा रहता है। तो गाइस पहले तो घर जा कर के पहले अपना चेहरा मैं फेस वॉश से क्लीन करूँगा, ये गाड़ियों के ऊपर से जो आ रहा ना वो सीधे चेहरे पे ही पड़ रहा है मेरे, पूरा रोड का कचरा चेहरे पे, वो भी पानी के साथ, यानी एक लेयर बन जा रहा है पूरा। ऐसा प्रतीत होता है कि अभी अभी यहाँ पे बहुत तेज बारिश हुई है, रोड पे देखिए कितना पानी जमा हुआ है, और ऊपर से भी पानी अभी बरस रही है, जो पत्तों पे थी या फिर ऐसे अभी बारिश हो ही रही है, आई डोंट नो, मैं फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूँ, बट हाँ अभी बारिश हो रही है, और अभी मेरे आने से पहले यहाँ पे बहुत तगड़ी वाली बारिश हुई है। तो गाइस रात के 11:30 बज रहे हैं, मैं अभी घर पहुंचा हूँ, घर आते के साथ पहले फेस वॉश किया, इतना ज्यादा डस्ट निकला है, पानी काला काला चेहरे के ऊपर से निकला है, और अभी सीधे पहुंच गया हूँ किचन में, कपड़े भी नहीं खोले हैं मैंने, बस चेहरा धोया और किचन में पहुंच गया। ये मैंने करेले को काटा है, इसका भुजिया बनाऊंगा, और साथ में मैंने आटा फ्रिज में रखा था, तो 2 चपाती हो जाएंगी और साथ में भुजिया खा लूंगा। घर का खाना सेफ खाना, बढ़िया खाना, बारिश में तो मैं बाहर खाना अवॉइड ही करता हूँ। अभी पहले मखाना थोड़ा फ्राई करूंगा, मखाना खा लूंगा, उसके बाद इसको बनाऊंगा और खाऊंगा। तो अमूल का बटर मैंने इसमें डाला है कढ़ाई में, और ये है मखाना, इसको खाऊंगा अभी हाफ फ्राई करके। गाइज आई थिंक अपुन ही भगवान है, पता है आपको 11:30 में घर आया था और 12 बज रहे हैं, और मेरा रोटी और भुजिया दोनों रेडी है, मेरा डिनर आधे घंटे में मैंने रेडी किया, पता था कि अगर मैं बैठा तो फिर बैठ जाऊंगा, और भूख इतनी तेज लगी थी ना, इसीलिए आते के साथ मखाना फ्राई किया मैंने, और मखाना खाते खाते खाना बनाया। सो गाइस इसके साथ इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, सोने जाता हूं, अरे अंधेरा हो गया क्या। मिलूंगा आप लोगों से कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए, टाटा बाय बाय, लव लव, भारत माता की जय।